हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लाई हूँ जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नाम है फूल का मूल्य। ये कहानी ठंडियों के दिन पर आधारित है, जब चारों तरफ और सारी जगह पर फूल बिल्कुल नहीं उग पाते। तब एक माली जिसका नाम सुदास था, उसके बगीचे में एक कमल का फूल उगता है। उस फूल को देखकर माली के मन में बहुत सारे अलग अलग विचार आने लगे कि मैं इस फूल को बेचूंगा तो मुझे कितने सारे पैसे मिलेंगे और मैं कितनी मजा करूंगा उन पैसों से। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहोगे उस माली को उस फूल का मनचाहा मूल्य मिलता है या नहीं? पर फ्रेंड्स, उस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल की प्रचंडता के कारण पौधे पुष्प विहीन थे। वन उपवन में उदासी छाई हुई थी। फूलों के अभाव में पौधे से ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे उदास वातावरण में एक सरोवर के मध्य सहस्त्रदल कमल का फूल खिला देखकर उसका माली प्रसन्न हो उठा। उस माली का नाम सुदास था। ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि मैं यदि यह पुष्प राजा साहिब के पास लेके जाऊंगा तो वे प्रसन्न हो उठेंगे। राजा साहिब पुष्पों की सुंदरता के दीवाने थे। इस शीतकाल में जब पुष्पों का अभाव है, तब इतना सुंदर पुष्प देखकर उसे इसका मनचाहा मूल्य मिलने की उम्मीद थी। उसी समय एक शीत लहर आई। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। माली को ये सब शुभ लक्षण लगे। वह सहस्त्रदल कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूलाना समा रहा था। वह फूल लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह मनचाहे पुरस्कार की कामना में डूबा हुआ था। राजमहल पहुंचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया। वह विचार मग्न था कि अभी उसे राजा बुलाएंगे। राजा इस सुंदर पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठेंगे। अच्छे मूल्य की अभिलाषा में वह यत्न पूर्वक पुष्प को पकड़े हुए उसे प्रेम पूर्वक निहार रहा था। राजमहल के बाहर खड़ा वह राजा द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी राजपथ पर जाता हुआ एक सभ्य पुरुष कमल के फूल की सुंदरता पर मुग्ध होकर सुदास के पास आकर उससे पूछने लगा, फूल बेचोगे? मैं तो यह फूल राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। सुदास यह उत्तर देकर चुप हो गया। तुम यह फूल राजा जी को देना चाहते हो, किंतु मैं तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान तथागत यहाँ पधारे हैं, बोलो तुम इसका कितना दाम लेना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बदले एक माशा स्वर्ण मिल जाए, सुदास ने कहा। उस पुरुष ने तत्काल यह मूल्य स्वीकार कर लिया। तभी शहनाइयां बज उठी, मंगल वाद्य बज उठे, सुंदर थाल सजाए हुए सुंदर गिफ्तियों का झुंड उधर ही चला जा रहा था। राजा प्रसन्नचित पैदल ही भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। नगर के बाहरी भाग में वो विराजमान थे। सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे प्रसन्न हो उठे। इस प्रचंड शीत में फूल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इतने सुंदर पुष्प देखकर उनका मोहित होने स्वाभाविक ही था। उनकी पूजा की थाली में पुष्प की ही कमी थी। राजा ने सुदास से पूछा, इस फूल का क्या मूल्य लोगे? सुदास बोला, महाराज, फूल तो यह सज्जन ले चुके हैं। कितने में? 1 माशस्वर्ण में। मैं तो तुम्हें इस पुष्प के बदले 10 माशस्वर्ण दूंगा, राजा की वंदना करके उन सज्जन ने कहा। सुदास,
मेरी तरफ से 20 मास स्वर्ण ले लो। राजा से निवेदन करते हुए वह सज्जन बोला, महाराज आप तथा मैं दोनों ही तथागत के चरणों में यह पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। इसीलिए आप और मैं इस समय राजा या प्रजा न होकर उनकी तरह व्यवहार करें तो ज्यादा उचित रहेगा। भगवान की दृष्टि में सभी एक समान होते हैं। मधुर वाणी में प्रसन्नजीत ने कहा, भक्तजन मैं आपकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। आप इस पुष्प के लिए 20 मास स्वर्ण दे रहे हैं तो मैं इसका मूल्य 40 मास स्वर्ण देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भक्त के बाकी पूरे करने से पहले ही सुदास बोल पड़ा, हे राजन एवं भक्तजन आप दोनों ही मुझे क्षमा करें, मुझे यह पुष्प नहीं बेचना। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। वे दोनों आश्चर्यपूर्वक उसे देखते रह गए। सुदास उस लेकर गौतम बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव को देने के लिए ये दोनों इस पुष्प की इतनी कीमत देने के लिए तैयार हैं, यदि मैं स्वयं ही उन्हें यह पुष्प अर्पित करूं तो मुझे और अधिक धन की प्राप्ति होगी। वह महात्मा बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न पद्मासन अवस्था में बैठे थे। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था, होठों पर अद्भुत स्मित रेखा थी, पूरा व्यक्तित्व एक अनूठा प्रभाव लिए हुए था। सुदास ने देखकर अपने होश हवास भूलकर आदर पूर्वक निन्निमेष भाव से उन्हें निहारने लगा। आगे बढ़कर उसने आदर पूर्वक उनके चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया। उसका तन मन एक अलौकिक सुख का अनुभव कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया, हे वत्स क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? सुदास मधुर वाणी में बोला, कुछ नहीं बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सुदास को आत्मबोध हो चुका था। उसका हृदय प्रसन्नता व सुख से परिपूर्ण उठा। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महात्माओं के साथ रहने से आत्मबोध की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।